दोस्तों, हम आप जब भी कहीं जाते हैं, बाइक से जा रहे हों या कार से जा रहे हों या पैदल जा रहे हों, तो अगर हमारे सामने से बिल्ली हमारे रास्ते को काट जाती है तो हम आप उसको बहुत ही ज्यादा अशुभ मानते हैं कि अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो अब वहां पर क्या होगा कि हम रास्ता बदल देते हैं या नहीं जाते हैं। मतलब कुल मिला करके हमें दिक्कत ही समझ में आती है कि हम अब उस काम को ना करें या वह काम हमारा नहीं होगा। मतलब कई सारा संशय आ जाता है हमारे मन में। पर जो बिल्ली रास्ता काटती है, क्या वास्तव में यह प्रक्रिया जो होती है वह अशुभ ही होती है? इसके पीछे क्या कारण है? पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके मन का ये जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि आज के कुछ साल पहले जब आने जाने के लिए गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोग क्या करते थे कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या तांगे की मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो क्या था कि बैल जो होता है या घोड़ा जो होता है, ये सारी जो जानवर होते हैं वो जब जाते थे और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो क्या होता है, ये आप जानते हैं कि अगर आपने रात में बिल्ली की आंखों को देखा हो तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकीली होती हैं, चमकती बहुत ज्यादा है उसकी आंखें, रात्रि में भी आप देखेंगे। तो क्या होता था कि जब बैल या घोड़ा रास्ते में जाते थे और बिल्ली रास्ता काटती थी तो उसकी आंखों को देख करके जो बैल और घोड़े जो होते थे वो चौंक जाते थे, वो वहीं पर रुक जाते थे और रुक जाने की वजह से फिर वो काफी समय के बाद ही वो आगे बढ़ पाते थे। तो इस वजह से जो घोड़े होते थे, बैल होते थे, उनकी वो आगे नहीं जाते थे तो काफी समय लग जाता था। तो लोगों को काफी से दिक्कतें आती थी क्योंकि उस समय पर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि बैल और घोड़ा जो है वो आगे चलते ही नहीं थे। अब यही प्रक्रिया लगातार समय के साथ साथ काफी समय तक लोगों के दिमाग में यह चीज घर करती गई, बैठती गई। अब आज के समय में जब गाड़ियां आ गई हैं तो वहां पर भी लोगों के दिमाग में वही टेंडेंसी चली आ रही है। लोगों को यह चीज बिल्कुल नहीं पता होती है कि इसका वास्तविक कारण क्या है। इसका वास्तविक कारण पहले के समय में होता था, आज के समय में ऐसा शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। आप अगर दिमाग में रखेंगे इन चीजों को तो आपको अशुभ समझ में आएगा, अगर नहीं रखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो वह शुभ होता है या अशुभ होता है। वास्तव में न शुभ होता है न अशुभ होता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।